दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज मैं आप लोगों को Lightroom एंड After Focus Pro एप्लीकेशन की मदद से कुछ इस तरीके का एडिटिंग सिखाऊंगा जो कि बिल्कुल एक न्यू कॉन्सेप्ट है। इस वीडियो को कम्प्लीटली देखो, आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे इस तरीके का एडिटिंग करना है, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप मैं सिखाऊंगा। सो गाइस चले जाते हैं, कमाल की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ऑलराइट गाइस, सबसे पहले Lightroom ऐप के अंदर फोटो को इनपुट कर लीजिए। इनपुट करने के बाद गाइस आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। गाइस सबसे पहले आप लोगों को लाइट को एडजस्ट करना है। लाइट को एडजस्ट करने के लिए आप लोगों को लाइट वाले टूल्स को यूज कर लेना है। यूज करने के बाद आप लोग मैनुअल तरीके से कुछ इस तरीके से लाइट को एडजस्ट कर पाओगे, लेकिन गाइस मैं ऑटो टूल्स का यूज करूंगा। तो ऑटो बार में टैप करता हूं और उसके बाद गाइस आप लोगों को यहां पर एक्सपोजर को हाई करना है, ठीक है? हाई करने के बाद गाइस आप लोगों को यहां पर कलर वाले ऑप्शन के अंदर जाना है और मिक्स वाले टूल, यहाँ से गाइस सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर येलो कलर को सिलेक्ट करके ह्यू को राइट की तरफ करना है और उसके बाद सेचुरेशन को हाई कर देना है। अब आप लोगों को ग्रीन कलर को सिलेक्ट करके ह्यू को राइट की तरफ करना है और सेचुरेशन को हाई कर देना है। गाइस फोटो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। यहाँ से गाइस आप लोगों को एक बार फोटो को सेव कर लेना है, ठीक है? और कुछ भी नहीं करना है, एक बार फोटो को सेव कर लीजिए और उसके बाद इसी फोटो को दोबारा इनपुट कर लीजिए Lightroom ऐप के अंदर, ठीक है? गाइस जैसे कि दोबारा फोटो इनपुट कर लिया मैं, इनपुट करने के बाद आप लोगों को डायरेक्ट मिक्स वाले टूल के अंदर जाना है और उसके बाद गाइस आप लोगों को ग्रीन कलर को सिलेक्ट करके ह्यू को राइट की तरफ कर देना है एंड यहां से आप लोगों को शाइनिंग कलर को सिलेक्ट करके ह्यू को राइट की तरफ कर देना है थोड़ा सा एंड सेचुरेशन को हाई कर देना है। ग्रीन कलर का जो सेचुरेशन था उसको भी हाई कर देना है। अब आप लोगों को येलो कलर को सिलेक्ट करके ह्यू को सॉरी यहाँ पर सेचुरेशन को माइनस की तरफ कर देना है, ठीक है? और उसके बाद गाइस फेस को गोरा करने के लिए आप लोगों को ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करना है एंड लेमुलेशन को हाई कर देना है और उसके बाद सेचुरेशन को माइनस की तरफ। अब आप लोगों को डन पर टैप करके यहाँ से गाइस क्लैरिटी को हाई कर देना है, पिगमेंट को माइनस की तरफ, और उसके बाद गाइस आप लोगों को सेचुरेशन को हाई करना है और नॉइस रिडक्शन को हाई कर देना है, ठीक है? फोटो कुछ इस तरीके का हो जाएगा, ठीक है गाइस? सो आप लोगों को फोटो के अंदर ब्लर देना है। तो गाइस ब्लर देने के लिए आप लोगों को After Focus Pro एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, ठीक है? कैसे डाउनलोड करना है मैं आप लोगों को बताता हूँ। सो गाइस चलिए प्ले स्टोर पर। गाइस जब आप लोग प्ले स्टोर पर After Focus सर्च करोगे तो आप लोगों के सामने ये एप्लीकेशन आ जाएगा, लेकिन गाइस इसको आप लोगों को डाउनलोड नहीं करना है, नीचे स्वाइप करना है और After Focus Pro एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड हो जाने के बाद ओपन पर टैप कीजिए और यहाँ से एक फोटो को सिलेक्ट कर लीजिए जिस फोटो को अभी अभी Lightroom ऐप के अंदर सेव किया, ठीक है? और सिलेक्ट करने के बाद गाइस आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। गाइस मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे आप लोग बैकग्राउंड के अंदर ब्लर दे सकते हो। गाइस यहाँ पर आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। ब्रश को मैं ओपन कर लेता हूँ सबसे पहले और पहले नंबर पर जो ब्रश है इसको सिलेक्ट कर लेना है और मॉडल के अंदर कुछ इस तरीके से जूम करके पेंट करना है, ठीक है? धीरे धीरे पेंट करना है, नहीं तो आपका जो यहाँ पर मॉडल है खराब हो जाएगा, ठीक है? धीरे धीरे आप लोगों को पेंट करना है। वीडियो को लास्ट तक देखना, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा और फुल HD में आप लोग सेव नहीं कर पाओगे, ठीक है? कैसे करना है इस वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा, ठीक है? गाइस जैसे कि मैं अच्छे तरीके से पेंट कर दिया और उसके बाद आप लोगों को थर्ड नंबर वाला ब्रश सिलेक्ट कर लेना है और जो बैकग्राउंड है इसके अंदर कुछ इस तरीके से पेंट करना है। पेंट करने के बाद गाइस जहाँ पर छोड़ दिया है उसके अंदर कुछ इस तरीके से अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना है, ठीक है? मैं एडजस्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं नीचे का जो पार्ट है इसको भी मैं अच्छे तरीके से एडजस्ट करूँगा, ठीक है? तो वीडियो को लास्ट तक देखना, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है गाइस? सो वीडियो को लास्ट तक देखना स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? सो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, जो नीचे के साइड है इसके अंदर कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना है और एडजस्ट करने के बाद आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट टैप करना है, ठीक है? एंड आपका जो ब्लर है वो आ जाएगा, लेकिन गाइस यहाँ पर ब्लर जो है फेक टाइप का लग रहा है। सो इसको रियलिस्टिक देने के लिए आप लोगों को सबसे पहले तो बैकग्राउंड को फुल्ली ब्लर करना है और फेदर को हाई करना है और यहाँ से गाइस आप लोगों को थोड़ा सा क्या करना है, जो बुके इफेक्ट है वो अप्लाई कर देना है, ठीक है? सो बुके इफेक्ट को मैं अप्लाई कर देता हूँ और उसके बाद गाइस आप लोगों को नीचे के साइड से यानी जो नीचे का एरिया है इसको आप लोगों को मैनुअल तरीके से कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना है, ठीक है? सो यहाँ पर से मैं राइट क्लिक करता हूँ। करने के बाद आप लोग देख सकते हो जो बैकग्राउंड ब्लर हुआ है कितने मस्त तरीके से हुआ है, ठीक है? सो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे किस तरीके से एडिटिंग करना है ब्लर फोटो एडिटिंग। सो गाइस फुल HD में फोटो को सेव करने के लिए आप लोगों को 3 डॉट वाले ऑप्शन के अंदर प्रेस करना है और सेटिंग और उसके बाद मैक्सिमम इमेज साइज ओरिजिनल और बैग आ जाइए और यहां से सेव कर लीजिए और आपका जो फोटो है सेव हो जाएगा। गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।